आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़े बड़े नाम थे और उनमें एक ऐसा नाम था जो ना जाने कब गायब हो गया, कब गुमनाम हो गया, जिसको हम हर बार याद करते हैं। वो नाम था सुभाष चंद्र बोस का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विदित जोशी, आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। और आज हम आपको एक तथ्य भरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। हम आज आपको बताएंगे कि कैसे जो गुमनामी बाबा हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं उनके पास ऐसी चीज़ें मिली हैं जो ये प्रूफ कर सकती हैं कि वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अचानक से गायब हो गए थे और उसके बाद उनका अंत कैसे हुआ, इसको किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर बहुत से ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं, बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जिनको हिस्ट्री में रिलेट करा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। उनमें से बहुत बड़ा नाम था गुमनामी बाबा का, जिनको भगवान जी भी कहा जाता था। दोस्तों, नेताजी के 67th बर्थ एनिवर्सरी पे पोस्टेज स्टैम्प्स रिलीज किए गए थे और उसकी दो फोटोग्राफ और न्यूज़पेपर कटिंग मिली थी भगवान जी के पास। दोस्तों, दूसरा है इनलैंड लेटर्स और टेलीग्राम्स, वो लिखे गए थे डॉक्टर प्रतिभा मोहन रॉय, अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी की जो इंटेलिजेंस विंग थी उनके द्वारा, और उनको वो भी पाए गए थे गुमनामी बाबा के पास। अब एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट पाया गया था, एक्चुअली एक INA वेटरन है निज़ामुद्दीन अकरम, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि गुमनामी बाबा के पास जो जर्मन बायनोक्यूलर्स हैं वो नेताजी यूज़ करते थे और बड़े मेंबर्स यूज़ करते थे जो ऊंचे अहदे पर थे आज़ाद हिंद फौज के। उन्होंने कहा कि जब मैंने इनको देखा कि जर्मन बायनोक्यूलर्स हैं इनके पास, तब मुझे याद आया, मैंने बोला अरे ये तो नेताजी के पास भी हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है। उस टाइम पे जैपनीज ब्रांड्स के बायनोक्यूलर्स भी थे, लेकिन जर्मन्स वर सुपीरियर, उनके जो बायनोक्यूलर्स थे वो अलग थे। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यूज़पेपर का कटआउट मिला था भगवान जी के पास, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक राइटअप था। वो 13 मार्च 1978 का एक राइटअप है जो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था। समर गुहा ने वो आर्टिकल लिखा था और उसमें लिखा था कि नेताजी अभी भी जिंदा है और वो रशिया चले गए हैं। आपको बता दें कि भगवान जी जो थे ना, वो अपने लास्ट ईयर्स में एक जिस जगह में रहे थे उसका नाम था राम भवन, और उसका जो ओनर था शक्ति सिंह, उसने बोला कि अभी भी हमारे पास क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं हम आइटम्स की और इन्वेंटोरीज की, तो उसमें एक ना हैंडमेड मैप मिला था बांग्लादेश का, और पद्मा जो रिवर है और बाकी सब रिवर्स की भी इसमें इंडिकेशंस थे। कलकत्ता से एक टेलीग्राम आया था भगवान जी के पास मार्च 31, 1985 में, और डॉक्टर PM रॉय ने ये टेलीग्राम भेजा था जिसमें लिखा था कि हमारा प्रणाम स्वीकार करें बसंती दुर्गा पूजा पर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी किताब है हिमालयन ब्लंडर, वो ना उनके पास पाई गई थी और उसके ना हर उस पर उन्होंने नोट्स बनाए थे, अंडरलाइंस किया था, हाईलाइट किया हुआ था, और कहीं कहीं पर इम्पॉर्टेंट और कहीं कहीं पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट के मार्क्स रखे हुए थे। ये बहुत सोचने वाली बात है कि क्या हो सकता है, गुमनामी बाबा और भगवान जी ये जो नाम है और उसके बाद इतने सारे जो तथ्य हैं जो अभी आगे मैं आपको और बताऊंगा, ये सब कैसे लिंक करते हैं एक बहुत बड़े महान लीडर और एक बहुत छोटी सी इनको गिनतो लाइफ जीने वाले गुमनामी बाबा को। दोस्तों, 16 सितंबर 1972 को राष्ट्रीय सेवक संघ के चीफ MS गोवलकर ने उन्हें एक लेटर लिखा था। उन्होंने लिखा था कि मुझे आपका संदेश प्राप्त हुआ, अगर आप उन 3 लोकेशंस में से एक पहले ही पिन पॉइंट कर देते तो मेरी जॉब आसान हो जाती। और इसमें उन्होंने भगवान जी को पूज्यपद श्रीमान स्वामी विजयानंद महाराज के नाम से पुकारा था। बार बार ऐसा होता आया है कि गुमनामी बाबा का नाम हर एक साल हर दो साल में सामने आ जाता है और कोई ना कोई निकल के आ जाता है एविडेंस जो ये प्रूव करने की कोशिश करता है, जो ये तथ्य बहुत मजबूत कर देता है कि गुमनामी बाबा ही आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर और भारत को आज़ादी दिलाने वाले नेताओं में सबसे बड़ा नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल खुलासा न्यूज़।